ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति जी, इसमें बाबा ने डॉक्टर अशोक मेहता के बारे में बोला है ना, अभी थोड़े दिन पहले ही आशा दीदी की क्लास में या मुरली में कहीं सुना था उनके बारे में कि डॉक्टर अशोक मेहता जो दिल्ली से निकले थे और फर्स्ट साइंटिस्ट तब बाबा के पास आए थे, और आते ही वो उनको इतना ज्यादा बाबा से समर्पण और प्यार हुआ कि जैसे ही वो पांडव भवन में पहुंचे ऐसे ही भाग के जाके बाबा के रूम में फर्स्ट। और फिर बाबा ने उनसे पूछा कि बच्चे आपने आज की मुरली सुनी? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, अभी उतरते ही मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले आप स्नान वगैरह करो, मुरली पढ़ के फिर मेरे पास आओ। तो तब से लेकर टिल एंड उन्होंने इस स्टडीज को, मतलब ये जो पढ़ाई बाबा की मुरली, उसका इतना ज्यादा महत्व रखा। जैसे आज हमने सुना ना, मुरली नहीं है तो हाफ कास्ट हो जाते हैं ना, तो इतना ज्यादा उसका महत्व रखा। उसके बाद के लास्ट डे भी दीदी बता रहे थे कि उन्होंने मुरली सुनी है और लिखी है, और उनका लिखना भी ऐसा था मोती पिरोए हुए जैसे ना, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग जैसे किसी ने डायरी छापी है। सो वो बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने सुनाया था डॉक्टर अशोक मेहता के बारे में। अच्छा, मुझे लगा वो बॉम्बे से थे शायद। नीलू दीदी, वो बॉम्बे से थे या दिल्ली से थे? और बाबा मैंने के तो आशा दीदी से दिल्ली का ही सुना था। अच्छा, हो सकता है मैंने, मेरे को ध्यान ना भी रहा हो। तो वो साइंटिस्ट थे और कलम तो हाथ में है ना, कलम के बारे में बाबा ने मेंशन किया है। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही जैसे डायरी छापी हो किसी ने, इस टाइप की उन्होंने मेंशन किया था कि ऐसे है उनका लिखना, और परिवार पूरा बाबा के ऊपर। तो उनका अनुभव सुन के अच्छा लगा था। डॉक्टर अशोक मेहता परिवार में काफी नाम है उनका। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया है ना नीलू सिस्टर, थैंक यू। तो वो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो डॉक्टर कौन से? उनका नाम मुझे लगा ये अशोक मेहता है, लेकिन नीलू दीदी बता रही है वो साइंटिस्ट है। अच्छा, तो कोई और होंगे क्योंकि उनका ऐसा था कार्डियोलॉजिस्ट करके कोई। सतीश गुप्ता है, सतीश गुप्ता है कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ नहीं वो नहीं, हाँ वो तो अभी है, वो नहीं सिस्टर, लेकिन ये या इसमें ओम पहले शांति से सुना था। सिस्टर, या हम क्लियर कर देते हैं, जो डॉक्टर अशोक हाँ. मेहता है, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज इन मुंबई, एंड ही वाज अ वन हु ट्रीटेड गुलजार दादीमा। गुलजार दादी, राइट। लिसन सिस्टर, व्हेन ही ट्रीटेड गुलजार दादीमा, ही गॉट सो मच ऑफ लव फ्रॉम दादीमा। एवर सिंस आफ्टर दैट ही बिकेम बाबाज child and his daughter, and then they supposed to make global hospital. Ever since he had been living in global hospital, I mean, he used to come, he contributed a lot in making global hospital also. He's from Mumbai, he's a cardiologist, and he treated Guljar Dadima. That was thing. Aur hum apne Murli se take away lete hain. Aaj Baba ne Delhi ke liye bola ki दिल्ली वालों को तो डबल मेहनत करनी है। वैसे तो बाबा ने सब स्टेट के लिए इतना प्यारा प्यारा बोला, और हम सब बच्चे भी अलग अलग स्टेट से हैं, तो कितना नशा लगता है। ये ऐसी क्लास है जहां बाबा ने पूरा संसार ही बिल्कुल क्लोज कर दिया है। तो स्पेशल दिल्ली वालों के लिए बोला, डबल मेहनत करनी है, एक तो आपको कैपिटल करनी है तैयार परिस्थान की, और दूसरे पूरे विश्व के लिए भी। तो हमें यही लग रहा है कि हमारा जो पुरुषार्थ है उसको बहुत ज्यादा अभी तीव्रता में लाना है, और जो ओटेसो अर्जुन उसमें हमें मेहनत करनी है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा कि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। तो जो हमें बाबा ने कई बार कहा ना कि धरणी को भी हमें तैयार करना है, तो ये भी हमें अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के और वृत्ति की, क्योंकि कई बार हम वाणी तो बोलते हैं लेकिन उस प्रकार वृत्ति नहीं लगाती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोई डीप बताएंगे कि वाणी के साथ साथ वृत्ति का कैसा साथ साथ सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा ने पावरफुल वृत्ति।
हर आत्मा के ओम शांति, ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। हाँ, वृत्ति में कैसा है, हम हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ वृत्ति ही हो। बाबा ने बोला है ना कि कोई भी आत्मा हो, तो दो दिन पहले मुरली में था ना, रविवार की अव्यक्त मुरली में, कि हम कभी सहनशीलता की मूर्त बन सकते हैं। किसी ने हमारा बुरा भी किया हो, गाली भी दी हो, उसका भी हम शुभ ही सोचे, उनके लिए भी हमारी वृत्तियां, हमारा वाइब्रेशन उनके प्रति शुभ ही जाए, ऐसा मैं मानती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ब्रदर, हम वृत्ति का थोड़ा क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा आपका, आपने क्वेश्चन पूछा सबसे। तो जो वृत्ति है, जो शुभ भावना, बाबा कहता है फीलिंग्स में, एक डीप इंटेंस जहन में, जो हमारी फीलिंग्स के भी अंदर में, क्योंकि संस्कार जो होते हैं, जो उनके सबसे नीचे की जो लेयर्स होती है, वो कहते हैं ना बाबा शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, लेकिन अपनी वृत्ति से, मतलब अंदर की जो अंतर आत्मा, वो भी सो जहन से बिल्कुल डीपेस्ट आपका स्वरूप से वो वृत्ति, कोई इंग्लिश में तो हमें पता है एग्जैक्ट मीनिंग, दैट इज द डीपेस्ट सिंसियरेस्ट फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट, कि वो बिल्कुल गहन हमारी फीलिंग्स में वो बात आ चुकी है वृत्ति में, संस्कारों में इतनी ज्यादा आ गई है, तो उससे सेवाएं करनी है। तो मीन्स डीपेस्ट फ्रॉम द हार्ट हु हैज बीन इन द स्वरूप, स्वरूप में आ चुका है हमारे, तो उस सिस्टम में रोल मॉडल बनके हम सेवा करेंगे तो सेवाएं बहुत अच्छी होंगी, शुद्ध होंगी, बाबा का हमें लगता है ऐसा अभिप्राय है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी भाई, जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया ना वृत्ति के लिए, तो बाबा तो अक्सर ये बात बोलते हैं कि अगर देखा जाए ना, तो सबसे भयानक लौकिक में अगर देखा जाए तो वो होता है कि जिससे सब डरते हैं, जिसका एटीट्यूड जो है वो बहुत, हर किसी को बहुत, जैसे कोई क्रोधी है तो हर कोई उससे डरता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने सबसे भयानक जो परिभाषा दी है कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। तो माना कि वृत्ति, सबसे पहले हम वाणी में तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, इसमें इतना ज्ञान का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन अगर जब तक हमारे अंदर की भावना, जिसको कि हमारी सोच है किसी के लिए, उस अगर नेगेटिव है तो उसी को ये वृत्ति बोला जाएगा। अगर हम देखें कि हमारे अंदर क्या जो मैं बोल रही हूँ, क्या वाकई जो है वो है मेरी सोच में, किसी के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं है, जैसे वो एक पॉइजन है। तो बाबा ने इस वृत्ति को, सबसे पहले बाबा ने बोला कि जैसे आप इस अपनी सोच को चेंज करोगे, वो सबको आत्मिक भाव से देखोगे कि सब आत्माएं हैं और हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है और एक्यूरेट रोल बजा रही है हर आत्मा। तो इस तरीके से जैसे हम अपनी वृत्ति को, अपनी सोच को चेंज करते हैं, तो उससे जो है वातावरण के ऊपर वायुमंडल के प्रभाव पड़ेगा और उन आत्माओं को भी वो वाइब्रेशन जाएंगे, जिससे उन आत्माओं में भी सुधार आएगा। उन ओम शांति। जो बाबा ने ये वाणी और वृत्ति का बोला है ना तीव्र गति से, हमारे ख्याल से बाबा बोल रहे कि प्रजा भी बनाओ, लेकिन सत्य के लिए धरनी तैयार करने के लिए वृत्ति चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। वृत्ति माना जैसे कहा ना कि प्योर फीलिंग्स होना चाहिए, शुद्ध प्योर पवित्र फीलिंग है ना, वो तब होगा जब हमारे हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि होगी। तो आत्मिक दृष्टि से ये प्योर फीलिंग्स आ जाएगी, शुद्ध वाइब वृत्ति, ए फीलिंग्स इसको बोल। ओम शांति।
ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने क्या कहा महाराष्ट्र कुप्पा से? ओम शांति। बाबा ने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि वो नरदेव साबर का वरदान मिला हुआ है उनपे, तो कमाते जाओ और वो चलते रहेगा। ओम शांति। बाबा ने कहा है, ओम शांति, बाबा ने कहा है कि जो ब्राह्मणों का संकल्प दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता, तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने संकल्पों की वैल्यू को ध्यान में रख करके जो है की वैल्यू रखो। ओम शांति। सो बाबा ने कहा है आंध्र प्रदेश वाले ग्रुप में नया इन्वेंशन करना है, थोड़े समय में सभी को अनुभूति ज्यादा प्राप्ति होना है, ज्यादा अनुभव होना है। सो उसके लिए बाबा ने साधन बताया है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है ना, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके रोशनी देना है। तो ये सहज युक्ति है, बाबा बताए हैं, सहज साधन भी है। और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते? टाइम तो हो रही है। ओम शांति दीदी। अच्छी दीदी, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, ये जो हमारी बुक चल रही है 8:30 से 9 बजे तक, उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है? हाँ जी, हम ग्रुप में बेचते हैं, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है, उसमें हम बेच दिया है। बुक पूरी आप उस ग्रुप पॉइंट भेजते हैं जी? ये ग्रुप हम भेजेंगे आज। वो आप है ना उस ग्रुप में? हाँ जी दीदी। हाँ जी दी, हम भेजेंगे पीडीएफ। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे भाई जी ने बोला ना कि बुक के लिए, तो मेरा भी यही था कि जैसे आप पीडीएफ भेज रही हो तो उसमें कोई कुछ तो है, जैसे पूरा नहीं आता है, 2-3 बार का नहीं आया उसमें, तो अगर जैसे मम्मा की जीवन कहानी थी तो वो पूरी बुक जैसे सेंड हुई है, तो क्या इसकी मिल सकती है ये पूरी बुक ऐसे सॉफ्ट में? हाँ जी जरूर भेजेंगे, मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता स्वरूप कैसे बने? कोई ने क्वेश्चन पूछा है, कोई अपना चिंतन शेयर करे? ओम शांति। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि सूक्ष्म वतन वैसे फरिश्ता, ये तो बाबा ने पूरा प्रोसेस से बता दिया ना, कि ये जो हमारी अव्यक्त मुरली भी चल रही है, इसका भी आधार क्या है, अव्यक्त माना व्यक्त से अव्यक्त जाना, पूरा जो हम 1969 से बोले जो हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, तो हर एक मुरली में बाबा ने कुछ बातें ऐसे है कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि आपको जैसे लाइट से सज धज कर रहना है, तो ये सूक्ष्म फरिश्ता बनने के लिए ये जो अव्यक्त मुरलियों से कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हर रोज बाबा कोई ना कोई देते हैं ना, इसका हमें स्टडी करना है, वही एक्चुअली रियल अभ्यास है। इसका आंसर कोई एक दो लाइन में तो हम कोई भी नहीं दे सकता, इसके लिए आपको डेली जो साकार मुरली में भी बाबा ने कितने बार, क्योंकि बाबा की वाणी ही ऐसी है कि जो हमें आवाज से परे लेने के लिए है। तो ये जिन्होंने भी पूछा है तो उनका यही है कि आप बाबा की वाणी का थोड़ा सा ऐसा अभ्यास कीजिए कि उसमें फरिश्ता बनने के लिए क्या क्या बाबा ने बातें बताई। ठीक है ना? तो जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने जो आज का होमवर्क भी यही लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा कि सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि बाबा आया है,
तो हमें भी सबको एक खुशखबरी सुनाना है, क्योंकि हमारा भी बड़ा कर्तव्य है ना। तो हमें तो पता है कि परमात्मा बच्चे हम बन गए, लेकिन सभी को बताना है। इसलिए कम से कम कल भले किसी को भी ये बताना बाबा का ज्ञान, तो कल जो हम स्थूल रूप में भी आप किसी को फोन से बताओ, भले अपने मित्र संबंधियों को, आपने पहले भी बताया होगा लेकिन कुछ अलग वे से कुछ ज्ञान, जैसे बाबा ने कहा ना वाणी के साथ साथ वृत्ति के द्वारा, तो उनके पहले हम थोड़ा सा शुभ भावना से इमर्ज करेंगे और वो भी ज्ञान में आए। और जो आपको लगता है कि उनको ज्ञान अच्छा लगता है कि लेकिन थोड़ा सा पुश करना चाहिए, तो ऐसे भी आत्माओं को खास आप हम कल सेवा करेंगे और उनको यही बताएंगे कि अभी समय कम है और जितना हो सके अपना अधिकार ले लो, जो भी अधिकार है परमात्मा का वो ले लो, क्योंकि हमें धरनी भी वैसी बनानी है। तो धरनी को बनाने के लिए पहला हम शुभ भावना शुभ कामना का फल भी सभी उनको सूक्ष्म होते में इमर्ज करेंगे और पहले से उनको कोर्स करा देंगे कि इनको ये तो बाबा के बन गए हैं, और फिर उनको ज्ञान देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कम से कम 5 आत्माओं को कल हम आप सिलेक्ट करना और उनको आप ऐसा बताने का प्रयास करना, भले आपको दोस्त है, आपके रिलेटिव है, कोई भी है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि जिनका ऊपर आप थोड़ा सा अधिकार से बोलते हैं ना कि आप भी ये सुनो, तो ऐसे आत्माओं के ऊपर प्रयोग करना, ठीक है ना। तो ओम शांति, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जैसे अभी इन्होंने प्रश्न पूछा, तो जैसा आप अभिजीत भाई ने बताया कि बहुत ही विस्तार वाला सब्जेक्ट है, लेकिन एक मेरे जहन में एक चीज आई, जैसे कल की अव्यक्त मुरली में भी या उससे पहले वाले जो हम पढ़ते हैं उसमें शायद बाबा ने एक बड़ा अच्छा महावाक्य बोला था कि जो कि ये फरिश्ता रूप से शायद मेरे हिसाब से रिलेटेड है, कि स्नेह जो है वो अव्यक्त को व्यक्त में लाता है। बाबा बता रहे थे कि मतलब आई थिंक दिस वॉज द महावाक्य, और जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हम जैसे हम व्यक्त अपना व्यक्त जीवन लौकिक जीवन जी रहे हैं, और हम सब में वी आर बेसिकली सोल्स, लेकिन अगर स्नेह स्वरूप है वो इट हेल्प्स अस इमर्ज, जो हमारा जो अव्यक्त जो हमारा सोल कॉन्शियसनेस है जो शायद कहीं ना कहीं मर्ज हो जाती है, वो प्रेम स्वरूप होने से वो इमर्ज हो जाता है, जो हमारा अव्यक्त रूप है हमको बेटर वी अंडरस्टैंड इट बेटर, वी एक्सपीरियंस इट बेटर। और जो बाबा जिसके बारे में बार बार जोर देते हैं कि महसूसता और अनुभव, तो जो प्रेम स्वरूप का जो की जो प्रैक्टिस है वो जो हमारे में अव्यक्त नॉलेज है जो कभी कभी मर्ज हुई भी रहती है, वो हमारे लौकिक जीवन में मतलब हमारी अव्यक्त रूप में इमर्ज होके आता है अगर हम प्रेम स्वरूप में रहे। सो बाबा का ये जो सेंटेंस था कल के प्रेम स्वरूप अव्यक्त को व्यक्त में लाता है, आई थिंक फरिश्ता रूप की तरफ बढ़ने में हेल्प कर सकता है। ओम शांति। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम इसका ही प्रैक्टिस करेंगे जो बिबू भाई जी ने बताया ना कि प्रेम स्वरूप ही हमें फरिश्ता बना देती है। तो अभी हम 3 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करते हैं कि बहुत प्यार से, भले बाबा ने कहा ना कि आप जो हो जैसा हो बाबा ने आपका स्वीकार किया है, तो बाबा ने इतनी प्यार से बाबा को बुलाओ, और स्वयं को भी ऐसा समझो कि मैं पूरी तरह लाइट और माइट से संपन्न फरिश्ता स्वरूप हूं, और इमर्ज करो सूक्ष्म वतन में। और प्यार स्वरूप से बाबा को याद कर लो, अनुभव करो कि बाबा के अंग अंग से लाइट और माइट जैसे स्नेह का सागर स्नेह की किरणें लुटा रहा है। इसी प्रकार हम अभ्यास करेंगे।
और आप फरिश्ता स्वरूप। जिसका दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं, सब बंधन टूटे हुए, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का, ऐसा मैं फरिश्ता हूं। बाबा को देखो, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव करना कि कितना करंट बाबा से मेरे ऊपर आ रहा है। महसूस करना शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना। देखो, पूरी तरह बाबा को सरेंडर हो जाना। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मैं आपका हूं, बस मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। आप मिले, सब कुछ मिला। बाबा भी कह रहे हैं कि सदा अव्यक्त वतन में रहने का अभ्यास करें। तो इसी प्रकार मैं अभी धीरे धीरे बाबा के पास जाता हूँ, बाबा को अपने गले में लगाता हूँ। बाबा के बाहों में समा जाओ, और थैंक्स बोलो बाबा को, कितना सुंदर बाबा आपने मुझे समय दिया, परिवार दिया, कितना प्यार दिया सभी ने मुझे, थैंक्स। दिल से थैंक्स बोलो। बाबा भी आपको बता रहे हैं, बच्चे सदा बाप के समान बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।